इतनी बुरी नज़र लगी कि बस सर का ताज टूट गया। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं कैसे मैनेज करती हूँ, हाउ आई मैनेज। वेलकम गाइज, वेलकम टू माई चैनल कविता गर्ल्स वर्ल्ड। तो गाइज ये देखिए सुबह के 5 बजे का टाइम है और कितना अच्छा लग रहा है और चिड़िया कैसे चहचहा रही हैं। और मेरी सफाई अभियान शुरू हो गई है। एज़ यूजुअल मैं टेबल की सफाई कर रही हूँ जो बहुत ही गंदा हो जाता है और बहुत ही इसमें निशान पड़ जाते हैं, तो इसको तो जितनी बार भी सफाई करो उतनी बार कम है। सबसे ज़्यादा सफाई ये टेबल मांगता है, इतने सोफ़े भी नहीं मांगते, उसमें इतनी डस्टिंग नहीं होती है जितना इस टेबल में। सबसे ज़्यादा डस्ट और चाय के या जूस के या पानी के ग्लास के निशान पड़े रहते हैं, तो इसको तो बार बार करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये मैं कर रही हूँ डस्टिंग, ये देखिए सोफ़े की डस्टिंग, फिर मॉपिंग वगैरह सारी मैंने कर ली किचन की भी, फिर नहा धोकर के आ गई हूँ और मैंने पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बना के लंच बना के कोर्ट जा रही हूँ, और कोर्ट जाने के बाद अपना वर्क करके मैं वापस आ गई हूँ। और देखिए मैं क्या लेकर के आई हूँ, ये फ्लॉसिंग थ्रेड है। और फ्लॉसिंग थ्रेड है तो फ्लॉसिंग तो जैसे ब्रश करते हैं हम, तो फ्लॉसिंग भी हमें करनी चाहिए ज़रूर। तो मैं ये चीज़ दिखा रही हूँ आपको कि फ्लॉसिंग थ्रेड के साथ मुझे ये मिला एक कोई इक्विपमेंट है। ये देखिए आगे से कैसा है, ये इसमें कितने ब्रश टाइप का लगा हुआ है ये ना, इसमें मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं कांटे, ये देखिए कैसे कांटे से लगे हुए हैं। तो ये दोनों टीथ के बीच में से करने के लिए, जैसे टूथपिक होता है तो उस टाइप का है ये, और बड़ा फ्लेक्सीबल है ये। और देखिए शेप इसकी कैसी है, एकदम सिरिंज लग रहा है जैसे इंजेक्शन हो, और ऐसे ही सिरिंज लग रहा है ये। और दोनों दांतों के बीच में करने के लिए बहुत अच्छा है ये, और बहुत ही मज़े आते हैं इसे करने में। पूरा सारा जितना डस्ट होता है सब निकल जाता है। हम सोचते हैं हम ब्रश कर लें उसके बाद फ्लॉसिंग कर लें ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। इसको करने के बाद काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिला। और देखिए ये मैंने एक दिन पहले अपनी फ़ोटोज़ ली थी अपने नेल्स की, और पता नहीं किसकी इतनी गंदी नज़र है कि मेरे नेल्स को नज़र लग गई, और इतने सुंदर नेल्स हैं। मेकअप तो मैं करती ही नहीं हूँ, तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब पे आता है मेरा हाथ, तो हाथ को थोड़ा सा सुंदर रखती हूँ मैं नेल्स अपने बढ़ा के नेल पॉलिश लगा के। और एक दिन पहले ही बनाई थी मैंने ये वीडियो अपनी नेल्स की, और ये देखिए हालत इसकी, इतने सालों से कभी नहीं टूटा, पता नहीं क्या हुआ अचानक ये टूट गया इतनी बुरी तरह से, और इतना पेन हुआ। वैसे तो मेरे बहुत स्ट्रांग है मेरे नेल्स, कभी ऐसे टूटते ही नहीं है, और ये देखा कितनी बुरी तरह से टूट गया, और सारी शो ख़त्म होगी। पता नहीं किसकी नज़र लगी, कौन किसने नज़र लगाई इतने ख़तरनाक तरीके से कि मेरे इतने सालों पुराने नेल्स एकदम अचानक ही टूट गए। हालांकि मैं देखो इतना काम करती हूँ इन नेल्स में, लेकिन कभी नहीं टूटे, और पता नहीं कौन ऐसे नज़र लगा के बैठता है कि नज़र ही लग गई। तो ये मैंने हटा दिया, तोड़ दिया ये मैंने, पहले तो मैंने हाथ से ही तोड़ा इसको, एकदम पूरा पूरा साबुत निकल के आ गया, और अब ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने सारे जितने भी फिंगर्स के थे उनको भी मैंने सारे तोड़ दिए। तो मैंने कहा चलो थोड़े दिन बिना नेल्स के ही हम चलाते हैं काम, तो ये मैं इनको भी अब हटा दूँगी और इनको भी मैं कट कर दूँगी। और ये देखिए ये मेरे अंगूठे का सर का ताज, और ये सारी फिंगर्स का ताज सब मैंने कट करके साइड में रख दिए, पांचों के पांचों, एक थंब का, चार उंगलियों के। और ये देखिए मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, मेरे नेल्स कट गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब बिना नेल्स के रखेंगे हाथ को। और वैसे भी कोर्ट जा करके ना अच्छे नहीं लगते थे हाथ, इतना नेल पॉलिश हाईलाइट होता था बहुत ज़्यादा, और आपको पता ही है कोर्ट में तो बहुत सेंसिबल और बहुत सॉबर तरीके से रहना होता है। और ये देखिए निधि की फ़ोटो, जो USA की फ़ोटो उसकी, मौसम का हाल, कितना थंडरिंग और लाइटनिंग हो रही है, कितनी बुरी तरीके से थंडरिंग और लाइटनिंग हो रही है, बट थंडरिंग और लाइटनिंग होकर रह गई, कोई रेन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, और गर्मी वैसे के वैसे। तो ये शाम का टाइम है, लोग अपना जा रहे हैं अपने ट्यूशंस पढ़ के, वापस आ रहे हैं बच्चे घर अपने। और ये देखिए ये क्या आया मेरे लिए, ये मेरे लिए आया है गिफ्ट, और ये भेजा है मिसेस शर्मा ने। और ये देखिए क्या भेजा है उन्होंने, उनको पता है कि मैं नेचर लवर हूँ, और मैंने रेन के बर्ड्स के सारे मैंने वीडियोस डाले हैं, तो वो भी बहुत आराम से रिलैक्स होकर बैठ के सुनती हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट भेजा है, वो बोल रही थी फ़ोन करके कि भाई मैंने कुछ भेजा है, ज़रा देखना कविता जी कैसा लगा आपको।
तो ये देखिए, देखते हैं इसके अंदर क्या है। अनपैकिंग करते हैं इसको, अनबॉक्सिंग करते हैं इसको। तो ये देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये हमने कट कर लिया साइड से। और ये देखिए पैक कितना सुंदर है, कितना अच्छा है पैक है। देखिए कितना प्यारा प्यारा टाइड एंड रिबन्स का है ये गिफ्ट। और चलो देखते हैं, निकालते हैं इसके अंदर क्या निकलेगा। बड़ा सरप्राइजिंग है। तो वैसे तो वो नांगली साहेब को वर्शिप करती हैं, लेकिन आजकल मेरे साथ साथ कृष्णा को भी वर्शिप करने लगी हैं। और साथ में यही नेचर लवर मैं हूँ, तो नेचर लवर वो भी बन गई हैं। तो आजकल उनकी और मेरी काफ़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन बन गई है। वो भी नेचर के बारे में, कृष्णा के बारे में बात करती रहती हैं, और मैं भी ये सब बातें करती रहती हूँ। वाओ, ये देखिए क्या, वाओ देखिए क्या भेजा है ये, ब्यूटीफुल। ये देखिए बुद्धा, वाओ ये वाटरफॉल है, बुद्धा वाटरफॉल। और इसके अंदर अब देखते हैं हम क्या है, क्या क्या प्रोसेस है इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे और इसको लगाएंगे। वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। थैंक यू मिसेस शर्मा आपके गिफ्ट के लिए। मिसेस शर्मा ने कहा कि ये मैंने अपने ऑफिस में भी लगा रखा है। तो कविता जी आप भी ये लगाइएगा, अपने घर में लगाइएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा लगा करके। और इसकी जो आवाज़ आती है, जो साउंड आती है, इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड है। आप सुनिएगा, मैं आपसे ही इंस्पायर हुई हूँ, और आप ही को देख करके मैंने ये अपने ऑफिस के लिए भी मंगाया है और आपके लिए भी मैंने मंगाया है। तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, और सच में ये बहुत अच्छा है। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग में करी जा रही हूँ। मैंने बुद्धा निकाल लिया है, और ये देखिए साथ में मोटर है। अब ये मोटर कैसे कैसे फिट करनी है, ये पंप है, एक्चुअली पंप है, ये मोटर के साथ पंप फिक्स हो रखा है। तो नीचे एक इसकी पाइप है, बुद्धा के नीचे एक पाइप है, उसके अंदर हमने मोटर को फिट कर दिया। और ये नीचे एक बॉक्स है, आई थिंक इसके अंदर पानी भरना है। इसको हमने ऐसे फिट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन थी नहीं कि इसको कैसे फिट करना है। हमने अपना आप ही असेंबल किया इसको, जो हमें लग रहा था कि ऐसा करना चाहिए। अब इसको यहाँ पे फिक्स करना चाहिए, इसको यहाँ पे सेट करना चाहिए। तो ये सेट हो गया, देखो कितने बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो गया। तो अब हम एक्सटेंशन लेकर के आए हैं और हमने ऑन कर दिया। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पानी थोड़ा सा बाहर गिरा पहले, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया। और ये वही हमारे टिश्यू पेपर काम आ गए जो हमने टेबल पे रखे हुए थे। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसकी आवाज़ सुनिए, बहुत ही प्यारी आवाज़ है ये। तो अगर आप रात को लगा के रख देना, और इसकी आवाज़ आएगी ना, कल 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 पानी की आवाज़ आएगी ना, बहुत ही रिलैक्सिंग, जिसे कहते हैं ना सूदिंग, रिलैक्सिंग, मेडिटेशन वाली, और बहुत ही अच्छी स्लीप आएगी इसको लगा करके। ये देखिए कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है, और कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। उन्होंने तो मतलब मेरे मन की बात, पता नहीं वो कैसे मेरे मन की बात जान जाती हैं, मेरे को भी हैरानी होती है। मैं उनको बोलती भी हूँ, मैं कहा मिसेस शर्मा कैसे मेरे मन की बात जान जाती हो, जो मैं सोचती हूँ सेम वो चीज़ आप उससे पहले ही कर देती हो। तो मैं ये देख के हैरान रह गई। मैंने कहा वाओ, क्या मतलब आपका माइंड चलता है कि भाई मैं कविता जी को ये भेजूँगी तो मतलब उनको बहुत अच्छा लगेगा, और अपने ऑफिस में भी उन्होंने ये लगा रखी है, और ये मेरे लिए भेज दी। और बोलते हैं ये वास्तु के लिए भी, वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छी होती है, अगर रेन वाटर इस तरीके से गिरता रहे तो। और अब यहाँ मैं बना रही हूँ पापड़ वाली कढ़ी, जो हमारे राजस्थान की फेमस है पापड़ वाली कढ़ी। तो इसके लिए एज़ यूजुअल जैसे हम लेते हैं कढ़ी बनाने के लिए, लस्सी ली, लस्सी के अंदर मसाले डाले, मसाले के अंदर फिर हमने बेसन डाला, उसको अच्छी तरह से घोल बनाया। और घोल बनाने के बाद, जैसे ये मैंने घोल बना दिया, सारे मसाले डाल दिए, इसमें वही होता है लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, यही। और इसके अंदर मैंने बेसन डाला, और इसको अच्छी तरह से मैंने एग बीटर से इसको अच्छी तरह से घोल लिया इसको। और ये देखिए कितना अच्छा तरीके से घुल गया ये, बिल्कुल इवनली अच्छी तरह से घुल गया ये। और ये देखिए बस गोल गोल, कभी क्लॉक वाइज कभी एंटी क्लॉक वाइज इसको करके। और ये देखिए कितना अच्छा तरीके से, कोई भी कहीं भी लम्स नहीं है, और ये बिल्कुल तैयार हो गया बन करके। तो अब हम लगाते हैं इसको तड़का। तो कढ़ाई ली मैंने, कढ़ाई में तेल डाला, और उसके अंदर डाली हींग, और हींग के बाद मैंने डाले मेथी, सौंफ और लाल मिर्च।
अब इन तीनों को मैंने डाल करके अच्छी तरह से इनको भूना। ये देखो कैसे चटकने लगे हैं, ये देखिए कैसे चटक रहे हैं। और हल्का सा ब्राउन जब हो जाएगा ये, जब ये अच्छे से भुन जाएंगे, तो देखिए कैसे अच्छे से भुन गए हैं, कैसे उछल रहे हैं, चटक रहे हैं। तो अब ये तैयार है, इसके अंदर अब डालेंगे हम अपना लिक्विड। ये हमने डाल दिया बेसन और लस्सी का लिक्विड, और ये डालने के बाद इसको हल्का सा चलाएंगे, और चलाने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम पानी, जो हमारा बाउल था जिसके अंदर हमने इसको तड़ा था, हमने घोला था, उसके अंदर अब हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। और ये पानी लेकर के हम डाल देंगे कढ़ी के अंदर, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इसके अंदर आने देंगे उबाल। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, इसको उबाल आने के बाद हम इसको रख देंगे ढक करके। तो ये अपना आप ही धीरे 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 स्लो फ्लेम में पकती रहेगी। और गाइस, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे जो मैं अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स के बारे में बता रही हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मुझे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक जो कमेंट आया था, एक कमेंट आया था रीता बिष्ट का, तो उन्होंने कहा था कि क्रैप टॉक, तो मुझे तो कहीं से भी क्रैप टॉक नहीं लगी। क्या आप अनमैरिड हैं रीता जी? अगर आप मैरिड हैं तो आपने तो कभी ना कभी ऐसी बातें की होंगी जब आप प्रेग्नेंट हुई होंगी। जब प्रेग्नेंट हुई होंगी आपकी मम्मी ने, आपकी बहनों ने, और आपने कहा कभी प्रेगनेंसी की बातें नहीं की, या कभी आपने ये नहीं कभी बात की कि हमारे अंदर क्या है, लड़का है लड़की है, कभी जानने की कोशिश नहीं की? अगर आपने जानने की कोशिश नहीं की तो बहुत स्ट्रेंज बात है कि भाई आपने जानने की कोशिश नहीं की। और क्या कभी आपने, आपका कुछ मन नहीं किया खाने का कि भाई हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे को ये मन कर रहा है खाने का, ये मन कर रही है? तो वर्ल्ड फेमस है कि भाई जब लेडी प्रेग्नेंट होती तो उसको तो पता नहीं दुनिया जहाँ की कहाँ कहाँ की चीज़ें खाने का मन करता है, ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि तुम्हारे एरिया में वो एग्जिस्ट भी नहीं करती होंगी, वो नीचे साउथ की होंगी या ऊपर नॉर्थ की होंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का मन कर जाता है। तो मैं तो अपने टाइम पर बहुत डिमांड करती थी कि मेरे को ये खाने का मन कर रहा है, ये खाने का मन कर रहा है। स्ट्रेंज कि भाई आपने ऐसी बातें नहीं की अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे। अगर आप अनमैरिड हो तो एक अलग बात है, वैसे भी क्रैप टॉक तो है ही नहीं है। भागवत में आपने सुना ही है, थर्ड स्कंद में कपिल महाराज अपनी मदर को इसका ज्ञान दे रहे हैं, एंड आप एंड यू आर सेइंग क्रैप टॉक। तो सॉरी टू से रीता जी, थोड़ी सी आप अपनी मैंटेलिटी चेंज कीजिए, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, प्रेगनेंट होना एंड डिलीवरी होना, ये सब एक नेचुरल है। और आप कैसे कह सकते हो कि क्रैप टॉक है, ये रबिश टॉक तो आपको कहीं से नज़र नहीं आ रही ना। ये तो हर ह्यूमन बीइंग के साथ होती है, इवन हर लेडी के साथ होती है। ये एक प्रॉब्लम थी जो मैंने शेयर की थी, और अपनी मैंने शेयर की थी, इसमें कहीं से भी रबिश आपको नहीं लगना चाहिए था। और अगर आपको रबिश लगा है तो प्लीज़ आप भागवत पढ़ लीजिए, भागवत का थर्ड स्कंद, नहीं तो आप वर्शिप कर लीजिए, आप डिवोटी बन जाइए आप कृष्णा के, कुछ तो अमल कीजिए मेरी वीडियो का। बट लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे कमेंट किया, और आई रिस्पेक्ट योर कमेंट। तो ये कढ़ी बनके मेरी तैयार हो गई है, और ये उबल गई थी अच्छी अच्छी तरीके से अंदर ही अंदर, मैंने इसको ढक के रख दिया था, तो ये अंदर ही अंदर उबलती रही और बहुत अच्छी तरीके से बन के तैयार हो गई, पक गई है बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए पापड़, और ये पापड़ डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से और पकाऊंगी। पापड़ को डिप कर दिया कढ़ी के अंदर, और ये इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। तो ये कढ़ी मैं बना रही हूँ नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि मैं ये रात को बना रही हूँ, और रात को बनाने के बाद ये कल बच्चे जब मैं ऑफिस को चली जाऊँगी तो पीछे से ये राइस एंड कढ़ी आराम से खा लेंगे, कढ़ी चावल। तो अभी भी हम खाएंगे इसको, लेकिन ये कल के लिए भी चल जाएगी। और वैसे भी कढ़ी अगले दिन ज़्यादा टेस्टी लगती है, ये सबको पता है। अगले दिन राजमा, कढ़ी, छोले, ये नेक्स्ट डे बहुत ही यमी लगते हैं। तो ये हमने निकाल ली है कढ़ी प्लेट के अंदर, और रात का टाइम था तो इसलिए हमने बनाई है खिचड़ी, अपनी राजस्थानी खिचड़ा। और ये मैंने निकाल दिया है इसको कटोरी के अंदर, प्लेट के अंदर हमने खिचड़ी डाल दी है, और देसी घी के बगैर तो ये खिचड़ी भी नहीं अच्छी लगेगी और कढ़ी भी अच्छी नहीं लगेगी। और जैसे चौकी धानी वगैरह में मिलती है खिचड़ी के ऊपर बूरा और देसी घी, तो ये मैंने बूरा भी डाल दिया, इसके बगैर तो खिचड़ी खाने का मज़ा ही नहीं आता। पता नहीं किसी को ये टेस्ट पसंद क्यों नहीं आता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये स्वीट और सॉल्टी, ये टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में ले ली मैंने दही।
ये थोड़ी सी दही है, इसके ऊपर थोड़े से फ्रूट्स डाल दिए मैंने और दही बनके हो गया तैयार, बड़ा कलरफुल। तो लस्सी मैंने ली नहीं इस समय क्योंकि कढ़ी है, तो लस्सी ली नहीं, और साथ में ये सीजनल फ्रूट जो आम आजकल चल रहे हैं, और चटनी हो गई, कढ़ी हो गया, दही हो गई हमारी फ्रूट वाली दही, और थोड़े से फ्रूट्स, और ये हमारी खिचड़ा जिसको हम कहते हैं खिचड़ी, और इसके अंदर हमने डाला खूब सारा देसी घी और बूरा। तो हमारा ये हो गया डिनर तैयार, हल्का फुल्का डिनर, आज कोई भटूरे नहीं, कोई पूरी नहीं, कोई कुछ नहीं, आज हल्का फुल्का है। और ये कढ़ी बच्चे नेक्स्ट डे भी खाएंगे राइस के साथ। हमने खाना खा लिया, बर्तन मांज लिया, सफाई कर ली किचन की, और बज गए रात के 11। तो गाइज ये था मेरा सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक का रूटीन, और उसमें आ गया गिफ्ट भी, साथ में मेरा कोर्ट का बिजी शेड्यूल भी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता को इस वर्ल्ड को। मिलती हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर। और मिसेस शर्मा का गिफ्ट कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।